Namaste and welcome to this Satology's new episode. And Satology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. Mythology matlab jhoot ya nakli, kalpanik. और या दूसरों को नीचे दिखाने के लिए मिथोलॉजी शब्द का यूज़ होता है. जैसे हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी बार बार मिथोलॉजी शब्द का यूज़ करते हैं. और सतोलॉजी जो है उसके विपरीत मैंने शब्द बनाया है पाश्चात्य देशों के लिए. इसका भारत से कोई संबंध नहीं है. लेकिन अगर विदेशी प्रोपागेंडा को डिफीट करना है तो विदेशी लोगों के लिए आप बोलिए आपका है मिथोलॉजी, आपका जितना बाइबलिकल अब्राहमिक जो भी कल्चर है उसके इतिहास से सब मिथोलॉजी है, हमारा है सतोलॉजी. यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी सनातनी है. हर नेटिव इंडिजिनस पर्सन हमारा ही भाई बहन है. हम लोगों को उसको अपने जैसे एक्सेप्ट करना चाहिए. हम लोग कर नहीं रहे हैं, यही सतोलॉजी का प्रयास है. तो हमने नया कोर्सेज लॉन्च किया है, ट्रांसेंडिंग द माइंड एक्सपीरियंस कोर्सेज, जो कॉरपोरेट के लिए भी शुरू किया है और हमने इंडिविजुअल्स के लिए भी शुरू किया है. और तीसरा प्रोग्राम हमने शुरू किया है वीकेंड गुरुकुलम इन द US, क्योंकि सभी लोग अपने माता पिता अपने बच्चों को रेगुलर गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि गुरुकुल में गुरु की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिकल नहीं है आजकल बनाना. लेकिन वीकेंड पे हम भेज सकते हैं हमारे स्कूल्स में. सैन डिएगो में होता है, मैं मेरे घर पे मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, अच्छा वातावरण है, लोग वहाँ सीख सकते हैं. और मैं चाहता हूँ कि अमेरिका में दूसरे सिटीज़ में भी इसको लॉन्च किया जाए. उसका करिकुलम वही रहता है जो हमारे साथ जो डीबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स कर चुका है, वही करिकुलम है उसका वीकेंड गुरुकुलम का. और साथ में योग सूत्र में हमारा कोर्स चलता है. तो चार कोर्सेज चलते हैं. सतोलॉजी रिलीजियस नॉन प्रॉफिट है, तो आप लोग यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं. हिंदू रिलीजियस नॉन प्रॉफिट है, वी आर वेरी ओपन अबाउट इट, हमें छुपाते नहीं है. इसलिए हम लोग जहाँ पर भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को अलाउड नहीं होता है कॉरपोरेट, वहाँ पर हम डोनेशन नहीं ले सकते. तो हमारा ट्रांसेंडिंग द माइंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम चलता है, जो कि एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलता है, डायरेक्टली नहीं चलता. बिकॉज वी आर नॉन प्रॉफिट, हमारे सारे कोर्सेज सिलेबस सब फ्री रहते हैं. विद दैट बीइंग सेड, आज जो विषय है वो वाराणसी है. तो मैं जब पढ़ रहा था ये जो कुर्म पुराण में पढ़ रहा था, और कुर्म पुराण मेरे हाथ में है, और तो मुझे काफ़ी अचंभित हुआ देवी और शंकर जी की कन्वर्सेशन सुन के. आज मैं एक प्रोग्राम में था जहाँ पे मैं पोल इंस्पेक्टर करके मैं आई बी हेल्पिंग, जो भी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वहाँ हेल्प होता है. तो अभी आने वाले इलेक्शंस प्राइमरी तो हेल्प कर रहा था, लेकिन वहाँ साथ में मेरी एक बुक भी खुली हुई थी, मैं देख रहा था वीकेंड उसमें. तो अभी आप में से जो जानते नहीं अमेरिका के बारे में, हमको बहुत सारे चीज़ें एक साथ करना पड़ता है, इट्स नॉट वेरी ईजी. तो थोड़ा माफ़ करिएगा, वी आर नॉट दैट ऑर्गेनाइज लाइक अदर यूट्यूब शोज. तो देवी पूछते हैं महादेव से कि आप तो सभी भक्तों को के कष्ट को दूर करते हैं, तो इस प्रकार से कौन कैसे आपके दर्शन कर सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अच्छा, भगवान शंकर कामदेव का भी नाश करते हैं, हमने देखा है उन्होंने कामदेव को जला दिया. लोक में सांख्य योग, ध्यान, वैदिक कर्मयोग और अन्य भी अनेक अधिक परिश्रम साध्य बताए गए हैं, ये सब भी हैं, और उसके सबके गुरु आप ही हैं. नमो रुद्राय महते, है ना, योगी नाम गुरुवे गुरुवे नमः. पूरा मंत्र नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन इसका शुरू का आखिरी लाइन बता दे, जिसको मालूम हो पता लग जाएगा. तो ईश्वर, कभी कभी महादेव को भी ईश्वर बोला जाता है, और बिल्कुल सही है बोल, क्योंकि महादेव और विष्णु में कोई फर्क नहीं होता, एक ही साथ माने जाते हैं. तो इसलिए पुराने जितने भी मंदिर होंगे, मेरे रिसर्च में जब मैंने ओरिजिनल एटलस लिख रहा था, सारे महादेव और विष्णु इंटरचेंजली यूज किए गए. जैसे कि जो जो मंदिर है कंबोडिया में अंगकोर वाट, वो एक्चुअली महादेव के लिए मंदिर है, लेकिन मूर्तियाँ लगी विष्णु की, वो महादेव का मंदिर है. भद्राश्वर क्षेत्र में आता है, वो महादेव की पूजा होती है भद्राश्वर क्षेत्र में, लेकिन इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. बहुत सारे बुद्धिस्ट ने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली, और एक तरीके से संरक्षण भी दिया उन्होंने, क्योंकि नहीं तो चर्च के लोग वहाँ पे जो गिद्ध होते हैं ना पहुँच जाते हैं वहाँ पे कन्वर्जन के लिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए, रोमन माइंडसेट है,
उसमें क्या चाहिए कि कन्वर्ट कर दो तो वो रूल करेंगे इजिली. जैसे आप कन्वर्ट होते हैं यू बिकम द स्लेव ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दैट रिलीजन ओरिजिनेटेड. तो ये लोग वहीं रोम के स्लेव बन जाएंगे, इसलिए होता है कन्वर्जन. तो बड़ा वाराणसी के बारे में गुह्य विज्ञान है ये. तो ईश्वर बोलते हैं, महादेव बोलते हैं कि जो अकथनीय है मैं आपसे बताता हूं, मतलब जो बताया जा नहीं सकता लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन है. बोलते हैं पूरी वाराणसी मेरा गुह्यतम क्षेत्र है, वह सभी प्राणियों को संसार सागर से पार कराने वाली जगह है. ये वाराणसी की बात हो रही है जहां पे हमारा अभिमुक्तेश्वर धाम है. अभिमुक्तेश्वर धाम को ही काशी विश्वनाथ बोलते हैं. और जो व्यक्ति मेरे व्रत को धारण करता है भक्त और शेष नियम का आश्रय ग्रहण करने वाले महात्मा वहीं पर निवास करते हैं. वह मेरा अभिमुक्त क्षेत्र काशी क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को बोला जाता है अभिमुक्त. सभी तीर्थों में उत्तम, सभी स्थानों में श्रेष्ठ और सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान रूप है. मेरा बहुत सौभाग्य है, बचपन से वहां गया हूं मैं काशी में, और मेरे अच्छे मित्र भी हैं जो देख रहे होंगे, तो उनसे मेरा प्रणाम. और इस बार मैं जरूर आने वाला हूं, अप्रैल में आऊंगा तो मैं जरूर आऊंगा काशी. तो इसको महाशमशान रूपी काशी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर लोग अपना चित्त भूलकर महादेव की शरण लेते हैं. महादेव की शरण लेना मतलब सृष्टि की शरण लेने के जैसा है, इसलिए बोला जाता है ईश्वर. ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जितना भी आपको दुनिया दिखती है ये सारी महादेव की है, पर्सनल प्रॉपर्टी है. महादेव और पार्वती जी की पर्सनल प्रॉपर्टी है. और इस जगह का भूलोक से कोई संबंध नहीं है. यहाँ पे भूगोल नहीं बोला है, भूलोक बोला है. क्यों? भू भूर भुव स्वा, भू भूर भुव स्वा, ओम भूर भुव स्वा. ये भूलोक है, भूलोक है. यहां पर कोई संबंध नहीं है, भूलोक से कोई संबंध नहीं है. जबकि ये वाराणसी अंतरिक्ष में स्थित है. अभी जब शिवजी बता रहे हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष होता है भूर भुव भू ओम भूर भुव स्वा. भूर भुव और स्वा के बीच में रहता है अंतरिक्ष, वहीं पर सूर्य चलते हैं, सूर्य का रथ वहीं चलता है, उसे अंतरिक्ष में चलता है. तो अभी तक तो कोई अंतरिक्ष गया नहीं. हमारे यहाँ पे अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, पुरानी कथा से तो कहीं पहुंचा नहीं वहां पर तक. ये सोचने का विषय है. हम पंचांग फॉलो करते हैं सनातन धर्म के कैलेंडर से, लेकिन सनातन धर्म की ज्योग्राफी फॉलो नहीं करते. ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप आधा ज्ञान तो फॉलो नहीं कर सकते पूरा. अब महादेव आपको स्वयं बता रहे हैं, एग्जैक्ट पोजिशन बता रहे हैं. आपको मैं श्लोक पढ़ देता हूं इसका. श्मशान एतद् विख्यातम विमुक्तम इति श्रुतम कालो भूत्वा जगदिदम संहरात्म्यत्र सुंदरी. बोल रहे हैं वो, बता रहे हैं आपको. तो योग जो योगी व्यक्ति हैं वही वास्तव में वाराणसी काशी के दर्शन करते हैं. अभी आप सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, ये तो सामने दिखती है. देखना कभी कभी आंखों से संभव नहीं है. जैसे कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं दीवार के दूसरी तरफ नहीं देख सकता. लेकिन अगर मैं कोई टूल यूज करूं, जैसे मेरे पास टूल्स हैं घर पे बहुत सारे, वो रडार टाइप के टूल्स हैं, मैं उसको लगाता हूं तो मुझे बीप दिख जाती है, यहाँ पे कील है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बीम है यहाँ पे नहीं है. तो मैं दीवार की दूसरी तरफ देख रहा हूं लेकिन टूल के माध्यम से उसमें पॉइंटर आ जाता है. वो एग्जैक्टली नहीं दिखता लेकिन पॉइंटर आ जाता है क्योंकि मेरे आईज का लिमिटेशन है. लेकिन योगियों का तो नेत्र अलग होते हैं, या चक्षुषा सविता, मतलब कि जो प्रेम से भक्ति प्रेमांजना चरिता, जो प्रेम से भरे हुए, उनके विजन ही अलग होती है योगियों की. और जब योगियों की विजन अलग होती है तो उनको दिखता भी कुछ और है. हम और आपको जो दिखता है वो योगियों को नहीं दिखता, जो उनको दिखता है मतलब जो हम आपको दिखता है वो भी दिखता है, दूसरे भी दिखता है. और ये योगी जो शब्द है, ये एक जो व्यक्ति अभी जिसने योग शुरू किया है, आसन नहीं, आसन के बाद जब उसका ध्यान लगना शुरू हुआ है, ध्यान धारणा समाधि, उस व्यक्ति के लिए भी, चाहे वो नया भी आया हो, उसके लिए भी योगी शब्द यूज होता है. और जो परम योगी है उसके लिए भी योगी शब्द यूज होता है. ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है.
हमारे सनातन धर्म में कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स नहीं है, सब समान है। आपने देखा है कई जगह हमको ऐसा नहीं करते बड़ा आ, हम अ आ इ ई, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए फॉर एम्फेसाइजिंग। वो कास्ट सिस्टम से आया है, यूरोपियन कास्ट सिस्टम, एक्चुअली ब्रिटिश कास्ट सिस्टम। ब्रिटिश, ब्रिटेन हैज द कास्ट सिस्टम। तो कोई भी आपको बोले ना तो कास्ट के बारे में, ब्रिटेन हैज ए कास्ट सिस्टम। इवन टुडे मोनार्की इज अबव एनी लॉ, है ना। चाहे रॉयल नेवी शिप चले या ना चले, फिर भी रॉयल नेवी है ना। दो दो शिप वापस करने पड़े उनको। चलिए छोटी अलग बातें हैं। तो ये महाश्मशान के नाम से विख्यात है, इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। ये महादेव स्वयं बता रहे हैं, मैं काल रूप होकर यहां वाराणसी में बैठ के इस संसार का संहार करता हूं। जब समय आएगा, ऐसा नहीं शिव जी ने तो कोई नेगेटिव इसको कोट कर देगा, समय आएगा तो करना ही पड़ेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एलियन थ्योरी है या कमिंग इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड, टोटल नॉनसेंस, नॉट इवन बिलीव वन आयोटा। पाश्चात्य देशों का जो भी विज्ञान है, जो भी फिलॉसफी है, जो भी उनका अचीवमेंट है, सबको आप निगेट करिए। ये लोग टूल्स बना रहे हैं, टूल्स बनाने वाले ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं देते, मतलब जो क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते। इनका काम है कारीगरी करना, कारीगरी आप करिए, लेकिन किस तरह राज करना है, किस तरह कल्चर के बारे में डिफाइन करना, वो ये लोग नहीं कर सकते। वो हमारे से वेद पुराण उपनिषद करेंगे या उनको जो फॉलो करता है। और अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेद पुराणों को फॉलो करते हैं, तो उनको भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, है ना। लेकिन मेरी उन सबसे विनती होगी कि देवनागरी को पढ़ने की कोशिश करें, इंग्लिश में ट्रांसलेशन ना करें। इंग्लिश इज नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, इट्स ए स्किल, स्किल के जैसा यूज करते हैं टू कम्युनिकेट। तो सबसे सभी गुह्य स्थानों में महादेव बोल रहे हैं कि वो मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है, वाराणसी जरूर जाइए। मेरी बुक में दो पेजेस हैं वाराणसी के ऊपर, उधर आप जरूर जाइए उस क्षेत्र में, अभिमुक्त क्षेत्र में वो। और यहां पे मेरे भक्त आते ही मुझ में प्रविष्ट हो जाते हैं, मतलब जैसे आप वाराणसी गए आप महादेव के अंदर ही रह रहे हैं, महादेव ही जगह वहां बैठे हुए हैं पूरे में। और यहाँ पे किया हुआ दान जप होम यज्ञ तप कर्म ध्यान अध्ययन ज्ञानार्जन सब कुछ अक्षय हो जाता है, अक्षय अनलिमिटेड, है ना। अविमुक्त क्षेत्र में प्रविष्ट होने वालों का हजारों जन्मांतरों में किया हुआ जो पूर्व संचित पाप है वह सब नष्ट हो जाता है प्रवेश करने पर ही। अब बताइए वहां पे लोग ऐसे महादेव के लिए जो कि इतने कृपालु हैं, उनके मंदिर को रोकने के लिए किस तरह का प्रयत्न कर रहे हैं। ये तो असुरिक वृत्ति, असुरिक, इसको मूर्ख बोलेंगे। क्योंकि जो अपनी स्वयं के आध्यात्मिक प्रगति पे बाधित हो जाए वही तो नास्तिक होता है। और युधिष्ठिर महाराज उसको मूर्ख भी बोलते हैं, तो वही बाधित। तो सोचिए जिसके बारे में महादेव आपको इतना बड़ा गुणगान कर रहे हैं, कुरु पुराण में पढ़िए आप उसको। मैं तो छोटा से बता पाऊंगा थोड़ा कमेंट्री के साथ, अगर आपका मेरा मेरी ये कन्वर्सेशन सुन के आपका पढ़ने में अगर विश्वास जगे तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। बोलते हैं वरार ने, मतलब जो कि वरों को सभी, वरार ने का मतलब होता है कि जो मोस्ट सूटेबल। अविमुक्त क्षेत्र में कला कालवश मृत्यु को प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर स्त्री मलेच्छ अन्य संकीर्ण पाप योनि वाले सभी मानव प्राणी कीटे कीड़े चींटी तथा जो भी अन्य मृग पक्षी हैं वे सभी सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले त्रिनेत्र महावृषभ नंदी को वाहन बनाने वाले शिव स्वरूप मानव बनकर मेरे कल्याणमय पुर में उत्पन्न होते हैं। ये देखिए महिमा है, महादेव स्वयं बता रहे हैं कि इतनी उसकी महिमा है, यानी कि जो व्यक्ति वहां जाता है किसी भी पर्पस के लिए जाए उसको इतना पुण्य मिलता रहता है कि उसका अगला जन्म काशी में ही होगा। इतनी कृपा है उस क्षेत्र में। मैं तो आपको बता रहा हूं अमेरिका में बैठ के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी वाराणसी पहुंच गया हूं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वहां पे, अगर सुन रहे हैं तो जरूर उनको पता लगेगा।
तो अविमुक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो मरता है वो नरक में नहीं जाता। ईश्वर से कृपा प्राप्त करके वे सभी परम गति प्राप्त करते हैं। परम गति मतलब उनको इवेंचुअली सभी भगवान ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं, मतलब महादेव उनकी रक्षा करते हैं। इतना महत्व है काशी का। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भीषण समझकर पत्थर द्वारा पैरों को तोड़कर मनुष्य को वाराणसी में भी वीर को वाराणसी निवास करना चाहिए। सब कुछ त्याग कर, इसमें लिखा है पत्थर द्वारा पैरों को तोड़ के ताकि बाहर ना निकले वाराणसी से। ये महादेव बोल रहे हैं मनुष्य को वाराणसी में निवास करना चाहिए। इसका संस्कृत पढ़ता हूं मैं, थोड़ा वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कीटा पिपिला क्षयवत ये चाने मृग पक्षणा काले ना निधनम प्राप्ता अविमुक्ते वरानने चंद्रार्थ मौलस्य त्रक्षा महावृष वाहना शिवे मम पुरे देवी जायन्ते तत्र मानवा नाविमुक्ते मृता कश्चिन नरक याति किल्बिषी ईश्वरा नु ग्रीता ही सर्वे यान्ति पराम गति। अश्मना चरणो हत्वा वाराणस्याम वसेन्नरा, ये एग्जैक्ट वर्ड है, अश्मना चरणो हत्वा, पैरों को तोड़कर भी वहां पे रहे, वहां से निकले ना, वहां से बाहर ना जाए। तो शैलपुत्री मेरे अनुग्रह से वहां पे वो सब जो मुक्ति की प्राप्ति सबको होती है, और मेरे माया से विमोहित व्यक्ति, मेरी माया से विमोहित व्यक्तियों को यह तत्व समझ में नहीं आता है। बोल रहे हो मेरी माया से विमोहित, मतलब जो व्यक्ति अपोज कर रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर को वो तो भगवान की माया से विमोहित हो चुका है। कैसे उसको अपोज किया जा सकता है? काशी इस भोलेनाथ के मंदिर को कैसे कैसे मना किया जा सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मुझे इतना दुख हुआ कि जिस पे तो साफ चिन्ह है कि शिवजी के मंदिर के ऊपर वो मस्जिद बनाई गई है, उसको मुसलमान लोग लड़ रहे हैं कोर्ट में जाके। मतलब ईश्वर से लड़ाई हो रही है, भगवान से लड़ रहे हैं, भगवान से लड़ रहे हैं। तो जो व्यक्ति इसको अपोज करते हैं, अज्ञान से आवृत मूढ़ लोग, मूढ़ वे मल मूत्र और रजोवीर्य के बीच बार बार निवास करते हैं नरक। ये महादेव के शब्द हैं। और मेरे को आश्चर्य होता है क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर और जितने भी सो कॉल्ड कैथोलिसिज्म वाले जो लोग हैं इसको अपोज करते हैं। आई एम जस्ट टोटली शॉक्ड कि वाई यू अपोज शिवजीज टेम्पल, वाई यू अपोज, इतने मीडिया आर्टिकल लिखे जाते हैं भक्तों के ऊपर। आई एम टोटली शॉक्ड, आई हैव क्वेश्चन अमेरिकन्स कि व्हाट हैव यू टू डू विद दैट कल्चर, इन एनी वे यू डोंट केयर अबाउट दैट कल्चर, व्हाई व्हाट यू हैव टू वरी अबाउट इट। अगर आपको चिंता नहीं है तो व्हाई यू कमेंट, क्योंकि उनके भले के लिए मैं बोल रहा था कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जो उस मंदिर को, जो काशी को अपोज करेगा उसका सर्वनाश होगा। ये महादेव के स्वयं शब्द है, इसे मेरा उसमें कोई नहीं है। और हमारे जो विष्णु जैन जी हैं, हरि जैन हैं, वो भी आएंगे हमारे शो पे। उन्होंने बोला है मुझे आने के लिए, बहुत सालों से उनको इन्वाइट कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं आएंगे तो आएंगे। तो ये जो व्यक्ति है, भगवान बोलते हैं सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी जो विद्वान वाराणसी में निवास करते हैं वे उस परम स्थान को प्राप्त करते हैं जहां जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं कि वाराणसी में जीवन बड़ा सुलभ है, मैं वहां बहुत बार गया हूं, बहुत तकलीफ रहती है। लेकिन जो भी वाराणसी में रहता है, मेरी आपसे विनती है, ये भी सुने जरा, कि ऐसा नहीं है कि विघ्न नहीं आते, महादेव स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर रहकर शिव जी की सेवा करके उसे वो स्थान प्राप्त होता है जहां पर उसको शोक नहीं करना पड़ेगा।
वे जन्म मृत्यु जरा रहित होकर शिव जी के श्रेष्ठ निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। तो अविमुक्त क्षेत्र में उत्कृष्ट गति की प्राप्ति होती है, न वो दान से हो सकती है न विविध तपों से, और दान तो होता ही नहीं कहीं पर, क्योंकि दान देने के लिए पात्रता जरूरी है। चैरिटी दान नहीं होता है, चैरिटी तो चर्च को देवा पैसा है, वो तो चोरी का माल हो, वो लोग तो चोर छकोट करके कितना पैसा लूटते रहते हैं पूरी दुनिया से, क्या चलाने के लिए, आर्म्स इंडस्ट्री चलाने के लिए, लोगों को भ्रमित रखने के लिए, ये सब पैसा वहीं जाता है अल्टीमेटली, वो लोग तो रखते नहीं अपने पास, वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके नेटवर्क में, और लोगों को, नेटिव लोगों को, इंडिजिनस लोगों को जो कि सनातनी है, मूल निवासी लोग मुझे बोलते थे आदि मूल वनवासी, नहीं नेटिव मतलब जो होता है जो जमीन के रिलीजन या कल्चर को फॉलो करे, जो जमीन का, जैसे भारत की जमीन का, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बर्मा थाईलैंड इंडोनेशिया कंबोडिया फिलीपींस अफगानिस्तान इराक ईरान सीरिया सऊदी अरेबिया, यहां का मूल कल्चर पुराणों में लिखा हुआ है, सनातन धर्म है मूल कल्चर यहां का, और इसके नॉर्थ में भी पूरा मूल कल्चर सनातन धर्म है ना, मेरु पर्वत से शुरू होते किर्गिस्तान कजाकिस्तान मंगोलिया तिब्बत किमपुरुष वर्ष हरिवर्ष है ना उत्तर कुरु, ये मूल रशिया का मूल कल्चर सनातन धर्म है, रशियन जाने न जाने उसका पता नहीं है, मूल कल्चर सनातन धर्म है, ऑर्थोडॉक्सी छोड़ देनी चाहिए रशियंस को। तो ये सनातन धर्म के कल्चर में शिवजी से बड़ा कोई आराध्य देव नहीं है सनातन धर्म के कल्चर में, क्योंकि मनुष्य हम वर्णाश्रम में रहते हैं और वर्णाश्रम में देवताओं के बिना कोऑपरेशन के कार्य नहीं होता। सनातन धर्म तो आत्मा का धर्म है, मनुष्य का धर्म वर्णाश्रम है, धर्म मतलब ड्यूटीज कंपल्सरी ड्यूटीज, वो फर्क है दोनों के अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म की बात करता है और वर्णाश्रम को रिजेक्ट करता है, इसके बाद सनातन धर्म नहीं ला सकता, वो वर्णाश्रम को स्थापित करने पर ही सनातन धर्म स्थापित होता है, और सनातन धर्म की स्थापना के लिए आवश्यकता है राजा की, वर्णाश्रम को स्थापना करने के लिए आवश्यकता होती है गुरु की, सनातन धर्म को फैलाने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, जो ये बात ना करे हमने एक किसी का आक्रमण नहीं, सनातन धर्म को फैलाने के लिए आक्रमण करना पड़ता है, सनातन धर्म वैसे ही फैलता, नहीं तो लोग बुरी आदतों में लगे रहेंगे, उसको कैसे करेक्ट करेंगे, तो उसी को तभी करेक्ट कर सकते हैं जब कोई राजा प्रोएक्टिव स्टेप लेगा, और बाद में गुरु जो है वर्णाश्रम स्थापना करते हैं, ये सर्कल सर्कल है, और फिर गुरु के वर्णाश्रम के माध्यम से वापस सनातन धर्म फैलता है, सनातन धर्म फैलने से वापस वर्णाश्रम होता है, जिसमें राजा हमेशा ब्राह्मण का सेवक रहता है और ब्राह्मण पैसा नहीं लेता। आजकल हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं जनता जनार्दन, है ना, वो हम मेरे हिसाब से, मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो वैसा बोलता है, लेकिन जनार्दन तो एक ही है चक्रधारी, है ना, और जन सामान्य में परमात्मा का वास है, तो परमात्मा की जब कोई सेवा करता है तो अपने आप ही जनार्दन की सेवा होती है, और तो इसलिए सनातन धर्म में दान बहुत इंपॉर्टेंट है, दान आप श्रम से कर सकते हैं धन से कर सकते हैं अपने कर्मों से कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छी तरह पोषित करके कर सकते हैं, बच्चों को अच्छा बना के कर सकते हैं, वैसे भी दान किया जाता है, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी वर्णाश्रम सबसे अच्छा दान है, हमारे सनातन धर्म को दान करना, मतलब किसी तरह उसको उसमें कुछ जुड़ना छोटा मोटा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, धर्म से राष्ट्र बनता राष्ट्र धर्म नहीं बनता, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अच्छा, विद्वान ये सब बोलते हैं कि वर्ण वाले मनुष्य, वर्ण रहित चांडाल, गणित व्यक्ति और पापों विशिष्ट पापों से युक्त देह वाले, उनके लिए सभी के लिए अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी परम औषधि है, औषधि है, अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अविमुक्त क्षेत्र परम पद है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है, और अविमुक्त क्षेत्र परम कल्याण है, यू नो,
जो दीक्षा ग्रहण करके नैष्ठ की अभिमुक्त क्षेत्र में वास करते हैं उन्हें मैं महादेव बोल रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, महादेव बोल रहे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान और अंत में परम पद प्रदान करता हूं। आपको बताऊं, बिना शिव जी की आराधना किए हुए अर्जुन को भी वज्र नहीं दिया गया था, वज्र नहीं दिया गया था। और जब युधिष्ठिर पूछते हैं, जरा इसका प्रयोग करके बताओ, जितने शस्त्र मिले हुए पशुपति अस्त्र, जैसे वो पशुपति अस्त्र के लिए प्रैक्टिकल्स दिखाने जाते हैं, तुरंत सारे ब्रह्मतर देवता आ जाते हैं, नहीं 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 इसको टेस्ट नहीं करना है, पशुपति अस्त्र टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सृष्टि डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नारद मुनि आ जाते हैं, देवता आ जाते हैं तुरंत। बड़ा अच्छा इंसिडेंट है वहां पर, युधिष्ठिर दिखाओ क्या लिख रहा है देवताओं से, और तुरंत अर्जुन तैयार भी हो जाता है, बड़े भाई की आज्ञा है। तो प्रयाग पुण्यमय नैमिषारण्य महालय श्री शैल, शैल पर्वत के बारे में ओरिजिनल एटलस मेरी पुस्तक है, वहां जरूर देखिएगा। केदार, भद्रकर्ण, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकोटी, नर्मदा, रुद्रकोटी, नर्मदा, आमरात केश्वर, शालीग्राम, कुब्जाम्र, ये सब जगहों को आप देख सकते हैं मेरी पुस्तकों में। श्रेष्ठ कोकामुख, प्रभास देख सकते, विजय शान, गोकर्ण, भद्रकर्ण, ये सभी पवित्र क्षेत्र तीनों लोगों में विश्वास है। तीर्थ क्षेत्र और द प्लेस वेयर कर्म इज बर्नट और विष्णुज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तीर्थ क्षेत्र जहां पे मुक्ति मिलती है, तीर्थ क्योंकि विष्णु का भी नाम है, वो सभी वाराणसी में है। वाराणसी माने गए हैं, वाराणसी प्रविष्ट त्रिपत गामिनी, मतलब गंगा त्रिपत गामिनी, गंगा सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट करने में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। गंगा श्राद्ध, दान, तप तथा व्रत वाराणसी में सुलभ है, परंतु अत्यंत दुर्लभ है। ये कैसे हो गया, सुलभ भी है दुर्लभ भी है? उसके कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति उस स्थान की महिमा को ध्यान में रख के योग में रखता है, योग और भक्ति में कोई फर्क नहीं होता, शिवजी की महादेव की सेवा करने को भी योग बोला जाता है, तो भक्ति है वो भी, भक्ति चरम स्थान है, योग का परम स्थान है वो, और योगी नाम गुरुवे नमः, सभी योगियों के गुरु महादेव। सुलभ है वहां पे रह रहे, सुलभ है परंतु अत्यंत दुर्लभ है, मतलब कर्म करने की आवश्यकता है। अगर वहां पर रह के हम लोग कर्म नहीं करेंगे अपने ठीक से, तो हम लोग को वो जो सुलभ जो हमको मिला हुआ है वो थोड़ा दुर्लभ, थोड़ा मुश्किल से मिलता है, तो कोशिश करनी पड़ेगी। वाराणसी में स्थित मनुष्य ऐसा ज्ञान अत्यल्प परिश्रम से प्राप्त कर लेता है, मतलब सुलभ भी दुर्लभ, दुर्लभ भी सुलभ हो जाएगा वाराणसी में, जिसके सहारे वायु बक्षी होकर नित्य हवन करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, देवताओं की पूजा करता है। मनुष्य चाहे पापी हो, शठ हो, अधर्मिक हो, तब भी वाराणसी में पहुंचकर अपने संसर्ग में रहने वाले सभी पवित्रों को पवित्र, सभी लोगों को पवित्र कर देता है। और जो वाराणसी में महादेव की स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्त शंकर के गणेश्वर समझना चाहिए। तो आप सभी महादेव के भक्तों को आपके चरणों में मेरा प्रणाम, सत्यलाल जी का प्रणाम। अगर आप वाराणसी में रह के सब कार्य कर रहे हैं तो मेरा आपके चरणों में प्रणाम, क्योंकि ये महादेव के शब्द हैं, गणेश्वर बोला गया है। तो दूसरे स्थानों में योग, ज्ञान, संन्यास अन्य उपायों से हजारों जन्मों में ये परम पद मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु देव देवी शंकर के जो भक्त वाराणसी में निवास करते हैं वे एक ही जन्म में परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। एक ही जन्म में योग, ज्ञान और मुक्ति मिल जाती है। तो उस अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में पहुंचकर फिर किसी दूसरे तपोवन में नहीं जाना चाहिए। अब महादेव बोल रहे हैं, मैं वाराणसी कभी नहीं छोड़ता, इसीलिए वो अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। महादेव बोल रहे हैं कि मैं वाराणसी क्षेत्र कभी नहीं छोड़ता, इसीलिए ये अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है,
और यही सभी गुहियों में अत्यंत गुह्य ज्ञान है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे सुभ्रु परम बौन वाले, ज्ञान और अज्ञान में निरत तथा परमानंद की इच्छा करने वालों को जो गति बताई गई है वह अविमुक्त क्षेत्र में मरने वालों को भी प्राप्त हो जाती है। तो सबसे शुभ जगह है ये वाराणसी का महात्म्य है। मैंने अपनी बुक में बड़ा विस्तार से इसके बारे में लिखा है, लेकिन ये पढ़ के मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं जितना क्रिटिसिज्म सुन रहा हूँ और जितना हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा सब तो चैनल से बात कर ही चुके हैं, लेकिन ये बताना जरूरी था ये वाराणसी के बारे में। और इसको सुनकर अगर आपको प्रेरणा मिले तो वाराणसी जरूर जाइए। वहाँ किसी का भी अनादर मत करिए, वहाँ पर किसी को आहत मत करिए, वहाँ पर सिर्फ सेवा के भाव से जाइए और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए जाइए। और क्रिटिसाइज मत करिए, ट्रैफिक खराब है, ये खराब है, जैसे बहुत सारे इंडियन अमेरिकन बोलते हैं दे शुड बी सम बेटर मैनेजमेंट। अरे भाई वो जगह अलग है, वहाँ पे मैनेजमेंट आपका नहीं काम करने वाला, वहाँ पे योग काम करने वाला है। तो क्रिटिसिज्म मत करिए, स्पेशली मैं इंडियन अमेरिकन को बोल सकता हूँ, आप लोग क्रिटिसाइज मत करिए बिल्कुल भी। वहाँ जाइए सरेंडर के भाव में, सेवा करने के लिए जाइए। और बहुत सारे अच्छे इंडियन अमेरिकन भी हैं जिनको इसके महिमा के बारे में मालूम है, तो मेरा आपसे निवेदन है जाए तो मिलने जरूर प्रार्थना करें। और बाकी जो लोग उधर रहते हैं भारत में या जो अन्य देशों में देख रहे हैं इस शो को, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, जहीं भी देख रहे हो, वहाँ के लोग भी वहाँ जाएँ, एक अच्छे भाव से जाएँ, एक प्रार्थना लेकर जाएँ कि आपको महादेव की शरण मिले। और जो उन्होंने ये कथन पार्वती को बोले हैं इसको सत्य मान कर जाइए। और मेरी बात विश्वास नहीं है तो कुरु पुराण पढ़ लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू बीइंग हियर। और आपको करते हैं लाइक शेयर सपोर्ट अस, शेयर करिए वाइडली, लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। और हम लोग अगले शो में वापस मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्ते एंड जय श्री राम, हर हर महादेव।